गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग मैं विक्रम आपका अकाउंटेंसी टीचर फॉर वी वी सर कॉमर्स क्लास से स्वागत करता हूं आज की क्लास में और जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने चैप्टर एट इशू ऑफ डिवेंचर डी के गोल सर की बुक से स्टार्ट कर रखा था और इसके अब तक हम लोग तीन लेक्चर्स जो है ना अपलोड कर चुके हैं जिसमें सेकेंड लेक्चर में अपलोड नहीं कर पाया किसी कन्वर्स क्योंकि वो इसे बाय डिफॉल्ट डिलीट हो गया मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा लेकिन फर्स्ट और थर्ड लेक्चर को यदि आप देखेंगे तो सेकंड आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा सेकंड में आपको ज़्यादा जो है समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यू विल रीड द टॉपिक यू विल इजिली अंडरस्टैंड दैट टॉपिक बिकॉज इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स और उसके बाद हमने इलिस्ट्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड इशूड एट पार इशू ऑफ डिवेंचर के प्रोसेस को कंटिन्यू किया था और उसमें दो इलिस्ट्रेशन में कर ली थी इलिस्टेशन वन एंड इलिस्टेशन टू आज हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम के बारे में और इशू ऑफ डिचर एट प्रीमियम पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और चर्चा में हमारे पास जो मेन टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि जब डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो प्रीमियम का ट्रीटमेंट कहां पर होता है देखिए प्रीमियम के ट्रीटमेंट की सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो प्रीमियम को अगर कुछ भी ना बताया गया हो तो आप अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करके चलते हैं यानी आप ये मानेंगे कि ये अलॉटमेंट पर ड्यू होगा और वहीं पर आपको रिसीव होगा अदरवाइज आपको बताया गया होगा कि प्रीमियम आपने कहाँ पर लेना है कहाँ पर ड्यू करना है अगर ये एप्लीकेशन पर दिया है तो आप इसकी एंट्री एप्लीकेशन के साथ करेंगे फर्स्ट कॉल के साथ दिया है तो फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल के साथ दिया है तो सेकंड कॉल के साथ एंड सोन so और अगर कुछ भी नहीं बताया गया तो आप इसे अलॉटमेंट के साथ ड्यू करेंगे ठीक है और ध्यान रखें प्रीमियम के केसिस जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है उसके लिखने की स्टेटमेंट बदली जा सकती है हो सकता है आपको मिल जाए इंक्लूडिंग प्रीमियम वर्ड हो सकता है आपको मिल जाए विद प्रीमियम हो सकता है अलोंग विद मिल जाए ये अलोंग विद जब होता है तो इसका मतलब अलॉटमेंट का पैसा जो है वो केवल कैपिटल कैपिटल का गिवन होगा और प्रीमियम जोड़कर आपको एंट्री करनी पड़ेगी हम देखेंगे क्वेश्चन समझेंगे आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक से इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट मोर देन देयर फेस वैल्यू दे आर सड टू हैव बीन इशूड एट प्रीमियम इट मींस यदि आपके पास सपोज करिए फेस वैल्यू दस रुपये की है किसी डिवेंचर की या शेयर की और उसको आप बारह रुपये में इशू कर देते हैं इट मीन्स इशूड प्राइस जो है आपका वो ग्रेटर देन फेस वैल्यू है देन यू विल से दैट द डिचर इज इशूड एट ए प्रीमियम ठीक है उसके बाद ए डिवेंचर ऑफ रुपीज हंड्रेड इज इशूड एट वन टेन एंड टेन इज टू बी नोन एज प्रीमियम विच इज़ गेन टू द कंपनी और रिमेंबर दैट जो ये प्रीमियम होता है इट इज ए काइंड ऑफ कैपिटल गेन ये कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाता है दिस प्रीमियम शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए रिवेन्यू रिसीव एंड इट इज नॉट एन इनकम फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और ऑपरेशन ये नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन की इनकम नहीं मानी जाती इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये कैपिटल गेन होता है इट इज ए कैपिटल प्रोफिट एंड शुड देयर फोर बी यूज इन राइटिंग ऑफ द कैपिटल सच एज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स प्रिलीमिन्री एक्सपेंसिस गुडविल पेटेंट्स रिटर्न ऑफ इन सब चीज़ों के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं ठीक है तो आपको यहाँ जो अंडरस्टैंड करने की बात है समझने की बात है वो क्या है कि भाई जो सिक्योरिटी प्रीम होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है और इसका प्रयोग किस किस परपज के लिए किया जाता है वो आपको ये बताया गया है एज स्टेटेड अर्लियर जैसे कि पहले भी हमने बात की है ना नेम ऑफ

और अंडरस्टैंड करते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे करवाने से पहले मैं आपको बता दूं यदि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट ड्यू करनी है तो ध्यान रखिएगा जिस भी एंट्री पर आप इसे ड्यू करते हैं साथ में आप लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट सपोज अगर अलॉटमेंट पर ड्यू है तो आपकी एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और साथ में लिखेंगे टू डिबेंचर अकाउंट ठीक है तो डिबेंचर में अलॉटमेंट में जो डिबेंचर का पैसा है वो डिबेंचर अकाउंट में आ जाएगा प्लस जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम शो करके चलेंगे इज इट क्लियर तो हमें इस तरीके से इसको दिखाना है आइए अब लिस्टेशन फोर को डिस्कस करते हैं रोहन केमिकल्स लिमिटेड ऑफ मुंबई इशूड वन करोड़ वन करोड़ टेन परसेंट डिवेंचर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच एट अ प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट राइट payable at rupees 40 on application and 70 on allotment debentures are redeemable on march 31st 2020 record necessary general entries to record the issue of debenture assuming that इशू इज फुली सब्सक्राइब एंड ऑल द मनी ड्यू इज रिसीव्ड अब आप यहां देख सकते हैं कि आपसे जो पैसा मांगा गया वो दो कॉल्स पर मांगा गया एक तो एप्लीकेशन एक तो एक और एक अलॉटमेंट अगर दोनों का अमाउंट हम जोड़ दें तो 70 प्लस चालीस एक बनते हैं और सौ रुपए फेस वैल्यू है 10 परसेंट प्रीमियम है तो दस परसेंट हम सो पर निकालेंगे 100 इंटू टेन 10 बाय हंड्रेड तो टेन रुपीज का प्रीमियम आ जाएगा तो उसका मतलब जो डिबेंचर आपने इशू किया है वो एक में इशू कर रखा है हंड्रेड प्लस टेन रुपे प्रीमियम के साथ और मांगे कैसे हैं चालीस एप्लीकेशन पर सत्तर अलोटमेंट पर और कहीं कुछ ये लिखा नहीं है कि प्रीमियम पर लिखा हो तो अलॉटमेंट पर ही ड्यू करेंगे दस परसेंट उनमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की एंट्री करने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू टेन परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट रुपीज फोर्टी लैख रुपीज फोर्टी

अब सत्तर रुपये के हिसाब से जब अलॉटमेंट आप ड्यू करेंगे तो एंट्री करेंगे टेन परसेंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एक करोड़ डिबेंचर इंटू सत्तर तो सत्तर करोड़ रुपये से हमारा अलॉटमेंट अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा जिसमें टेन परसेंट डिवेंचर अकाउंट का एक करोड़ इंटू सिक्सटी सिक्सटी करोड़ जो है हमारा डिवेंचर का अमाउंट है और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है एक करोड़ इंटू टेन टेन करोड़ तो टेन करोड़ हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी और रिसीव करते क्योंकि उसने कहा है कि सारा पैसा आपको डिली रिसीव हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टेन परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट के साथ आप ये एंट्री कर देंगे सत्तर करोड़ सत्तर करोड़ आपको रिसीव हो जाएंगे होफ्सो की आपको ये इलिस्टेशन समझ में आया है चलिए इलिस्टेशन नंबर फिफ्थ पर चलते हैं इलिस्टेशन नंबर फिफ्थ क्या है आइए इसको समझते हैं एक बार इलिस्टेशन नंबर फिफ्थ है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स limited offered 2 lakh 8% debenture of 500 each at a premium of 10% payable as rupees 200 on application including premium and balance on allotment redeemable at par after 8 years but application are received for 3 lakh debentures and the debentures and the allotment is made on pro rata basis right मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलोटमेंट इज रिसीव्ड रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिचर देखिए इस क्वेश्चन में लिखा क्या है ट्रेडिशनल दो लाख जो है ना एट परसेंट डिबेंचर पांच सौ रुपए का जो कि एक है दस परसेंट प्रीमियम यानी कि पांच सौ का दस परसेंट पचास तो पांच सौ प्लस पचास पांच सौ पचास रुपए में इशू किया है और जिसमें से पैसा कैसे मांगा है टू हंड्रेड ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी प्रीमियम जोड़कर है इसके अंदर पैसा तो ये हो गया 150 50, 150 प्लस प्लस 50 50 ठीक है और यहां पर हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट तो ये 200 350 बच जाएंगे 350 क्योंकि 200 प्लस 350 550 बन जाएंगे तो 350 हमारा किस पर आ जाएगा अलॉटमेंट पर आ जाएगा अब हम इसकी एंट्री करेंगे किस तरीके से इसकी एंट्री की जाएगी आइए है देखते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है कि तीन लाख के लिए एप्लीकेशन आई अब सभी को हमने प्रोडाटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया अगर सभी को हमने प्रोडाटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया तो हम ऐसी कैटेगरी बना लें कि तीन लाख पर हमने दो लाख डिवें डिवेंचर इशू कर दिए तो एक लाख के ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन दो सौ रुपये के हिसाब से बीस लाख कितना सॉरी दो करोड़ कितना दो करोड़ रुपये एक्स्ट्रा आ गई अभी दो करोड़ रुपए कहां जाएंगे ये दो करोड़ रुपए हमारे एडजस्ट हो जाएंगे किसमें अलॉटमेंट एडवांस में हमने कहा था कि यदि आपको एक्सेस पैसा मिल जाए एप्लीकेशन पर तो उसको नेक्स्ट कॉल पर आप एडजस्ट करके चलेंगे तो ये दो करोड़ रुपए जो है हाँ, आप कहाँ एडजस्ट करके चलेंगे अलॉटमेंट के साथ तो सबसे पहले तो रिसीव करिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हमने रिसीव कर लिया तीन लाख गुना में दो सौ ठीक है तीन लाख गुना में दो सौ छः करोड़ रुपए हमें रिसीव हुए छः करोड़ रुपए में क्या हुए रिसीव हुए अब छः करोड़ जो डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा था उसको हम धीरे धीरे ट्रांसफर कर रहे हैं एट परसेंट डिवेंचर अकाउंट में और ये ट्रांसफर होगा सिर्फ दो लाख डिबेंचर पर कितने रुपए के हिसाब से एक सौ पचास रुपए के हिसाब से क्योंकि पचास रुपये इसमें प्रीमियम था हमारा तो तीन करोड़ हमने ट्रांसफर कर दिया डिवेंचर अकाउंट में और सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएंगे कितने के हिसाब से पचास के हिसाब से एक करोड़ और बाकी So, एक लाख डिबेंचर पर दो सौ रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा आया दो करोड़ रुपए दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और नरेशन हो जाएगी ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी टू 8% डिबेंचर अकाउंट एंड एक्सेस मनी टू अलॉटमेंट अकाउंट राइट चलिए ये तो दो एंट्री हो गई हमारी किसकी एप्लीकेशन की क्योंकि यहां पर मांगा ही टोटल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा है तो नेक्स्ट एंट्री जो हम करने वाले हैं वो किस पर होगी हमारी 2 लाख डिबेंचर पर कितने रुपए के हिसाब से 350 रुपए के हिसाब से यानी कि 7 करोड़ से हम डिबेंचर Allotment का पैसा पैसा कर कर देंगे और एंट्री कर देंगे और जब रिसीव करेंगे तो कह रहा किसी ने कोई भी लापरवाही नहीं की सबने सारा पैसा दिया तो सात करोड़ में से दो करोड़ देखिए हमें पहले ही मिल चुके हैं तो अब दो करोड़ घटाने के बाद कितने बच जाएंगे पांच करोड़ तो पांच करोड़ की हम रिसीविंग कर लेंगे आइए चेक करते हैं इनकी एंट्रीज अलॉटमेंट की दोनों की क्या एंट्री होने वाली है तो ये अलॉटमेंट की एंट्री है ड्यू की तो हो गई हमारी एट परसेंट डिवेंचर अकाउंट डायबिट टू डिवेंचर अकाउंट सात करोड़ सात करोड़ रिसीविंग हो जाएगी बैंक अकाउंट डायबिट टू एट परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट 5 करोड़ 5 करोड़ दो करोड़ क्योंकि हम पहले ही रिसीव कर चुके थे आइए चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर सिक्स पर इिस्ट्रेशन नंबर सिक्स क्या कहती है नारेन नारेन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग सात हजार पाँच सौ ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर ऑफ हंड्रेड ईच एट अ प्रीमियम ऑफ थर्टी फाइव पर डिवेंचर इसका मतलब सौ रुपये का डिवेंचर पैंतीस रुपये प्रीमियम यानी एक सौ पैंतीस रुपये में आपने इशू कर रखा है कोई डाउट ही नहीं है इसमें चलिए द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही आ गया और हमें टेन थाउजेंड डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन मिली तो इसका मतलब मुझे टेन थाउजेंड डिबेंचर पर एक सौ के हिसाब से एक सौ पैंतीस एक दो तीन चार तेरह लाख पचास हजार रुपए की रिसीविंग हुई ठीक है इतने की रिसीविंग हुई लेकिन क्योंकि सारा पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर आ गया तो एक्सेस पैसे को मैं कहीं आगे यूज ही नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा रिफंड करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा रिफंड करना पड़ेगा तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है एप्लीकेशन फॉर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डिवेंचर फॉर रिजेक्टेड लो लो भाई लो इसने बता दिया मुझे रिजेक्ट कर दिया तो रिफंड ही करना पड़ेगा तो वर और वर तो वर वर रिफंडेड एंड डिबेंचर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स इसने कैटेगरी बना दी साढ़े सात को साढ़े सात और पच्चीस सौ को नील अगर ये कैटेगरी ऐसे नहीं होती और सिंपल अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पर होता तो भी सेम ट्रीटमेंट रहता जैसे इस केस में होने वाला है तो यहां पर सबसे पहली एंट्री क्या होगी दस लाख दस हजार डिवेंचर पर 135 तो डिवेंचर एक सौ पैंतीस के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट याद रखिएगा यहां अकाउंट ओपन कर लेंगे एप्लीकेशन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम का जब सारा पैसा पर मांग लिया जाता है ना तो वहां पर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करके चलते हैं तोरह लाख पचास हजार तेरह लाख पचास हजार आपको रिसीव हो जाएंगे और अब इसको ट्रांसफर करें ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और टू बैंक अकाउंट बैंक में तो जो 2500 को हमने एक भी डिबेंचर नहीं दिया तो एक के हिसाब से तेरह दूनी छब्बीस तेरह दूनी छब्बीस तेरह पैंसठ मल्टीप्लाई करके तीन लाख सैंतीस हजार सौ रुपए आ जाएगा ये आप रिफंड कर देंगे और डिबेंचर में कितने आ जाएंगे साढ़े सात हजार डिबेंचर गुना में सो साढ़े सात लाख रुपए और जो रिमेनिंग है पैंतीस रुपए के हिसाब से वो प्रीमियम का पैसा आ जाएगा टोटल तेरह लाख पचास हजार रुपए हमारे कंप्लीट हो जाएंगे राइट तो ये क्वेश्चन आपको सो समझ में आया है चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर एट ए डिस्काउंट होप्सो की आपने इशू ऑफ डिवेंचर एट पार एंड एट प्रीमियम दोनों केसेज को अच्छे से समझ लिया है आइए नेक्स्ट

हम प्रीमियम लेते हैं वो अदर देन डिवेंचर अमाउंट होता है जबकि जो डिस्काउंट देते हैं वो आउट ऑफ डिवेंचर अमाउंट होता है सर क्या मतलब देखिये सौ रुपए का डिवेंचर यदि आप नब्बे रुपए में इशू कर रहे हैं तो दस रुपए कहां से कट रहे हैं डिवेंचर के पैसे से कट रहे हैं ना तो वो डिवेंचर में से ही होता है और जो आपके पास अगर प्रीमियम पर इशू करते हैं सौ रुपए का डिवेंचर दस रुपए प्रीमियम पर तो वो कहां से आता अदर देन डिवेंचर फेस वैल्यू वो उसके अलावा लेते हैं तो ये दोनों ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों को आपको समझना है आइए एक बार इसको स्टार्टअप करते हैं देखते हैं इसमें क्या लिखा है और क्या चीज़ें हमें समझने की हैं वन द कंपनी इशूज़ डिवेंचर्स एट प्राइस विच इज लेस देन देयर फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू द डिवेंचर्स आर सेड टू हैव बीन इशूड एट डिस्काउंट डिवेंचर्स को क्या कहा जाएगा डिस्काउंट पर इशूड माना जाएगा जब हम उसको उसकी फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इशू करेंगे देर आर नो रेस्ट्रिक्शन इन द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट ऑन द डिवेंचर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि भाई कितना डिस्काउंट आप देखना भी डिस्काउंट आप दे सकते हैं कितने भी डिस्काउंट पर आप डिवेंचर को इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ए कैपिटल लॉस ये लॉस कैसा लॉस माना जाएगा कैपिटल लॉस माना जाएगा जो प्रीमियम है वो कैसा प्रॉफिट माना जाता है कैपिटल प्रॉफिट और ये लॉस कैसा माना जाता है कैपिटल लॉस इट शुड बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इट्स ओकर ध्यान रखिएगा ये उसी साल में खत्म कर दिया जाएगा उसी साल में इसको हम राइट ऑफ कर देंगे जिस साल में ये लॉस हुआ है एट द टाइम ऑफ इशू इट कैन बी रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमने पीछे पढ़ा था ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग हम लोग किस लिए कर सकते हैं कैपिटल लॉस को कंपनसेट करने के लिए और साथ ही साथ अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो आप इसे जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं और जर्नल रिजर्व भी नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से इसे आप राइट ऑफ कर सकते हैं फॉलोइंग एंट्री इज पास ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यानी अगर ये डिस्काउंट का लॉस होता है तो आपको ये एंट्री साथ साथ करनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर अगर वो कहे तो भी और ना कहे तो भी आप इसे राइट ऑफ करेंगे क्योंकि कंडीशन क्या है कि जिस साल में ये लॉस होता है उसी साल में इसको हम एट द एंड ऑफ द ईयर राइट ऑफ भी कर देते हैं तो राइट ऑफ करने की क्या एंट्री हुई सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिचर इट मीन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसका पैसा यूज करेंगे अगर वो कंप्लीट कम, नहीं हो रहा है फुलफिल नहीं कर पा रहा है सारे लॉस को तो जनरल रिजर्व से ले लेंगे और इन दोनों से लेने के बावजूद भी अगर फुलफिल नहीं हो रहा तो स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल से ले लेंगे और अगर ये दोनों है ही नहीं तो डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल में ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड में चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में क्या लिखा है देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमें इसमें दिया गया है कि डिस्काउंट बीइंग अ लॉस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी बाय डेबिटिंग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने किस नाम से क्रेडिट किया था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से इसी इसी तरीके से डिस्काउंट को हम किस नाम से लिख के चलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट क्योंकि लॉस है तो लॉस डेबिट होगा वो प्रीमियम था प्रॉफिट था प्रॉफिट क्रेडिट होगा एज पर द नॉमिनल अकाउंट डिस्काउंट इज जनरली रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ Entry, जो डिस्काउंट है वो कहां पर record किया जाता है? जब तो आप? अलॉटमेंट के साथ और अदरवाइज जैसा वो कहे उसके साथ आप इसे एडजस्ट करके चले चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर सेवन से हम इसे क्लैरिफाई करते हैं देखते हैं में हमें क्या समझ में आता है सूर्या लिमिटेड पच्चीस डिंचर दस परसेंट डिस्काउंट पर नब्बे तो रुपए में इशू कर दिया नाइनटी रुपीज में ठीक है और कितने डिवेंचर इशू किया पच्चीस सौ रेट कितनी है पंद्रह परसेंट डिवेंचर पच्चीस रुपए आपने एप्लीकेशन पर मांगे पच्चीस आपने अलॉटमेंट पर मांगे बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर अब देखो यहां लिखा नहीं है डिस्काउंट कहां पर है तो हम कहां माने अलॉटमेंट के, तो के पैसे में से ही दिया जाता है ठीक है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर टू थाउजेंड डिबेंचर अब देखिए पच्चीस सौ आपने इशू किए हैं दो हजार के एप्लीकेशन आए हैं तो कौन सा केस हुआ अंडर सब्सक्रिप्शन कौन सा केस हुआ ये तो दस हजार रुपए के इश्यू ऑन डिवेंचर पर हमारा कुछ खर्चा भी हुआ तो कोई बात नहीं खर्चा हुआ तो खर्चे डेबिट होते हैं और बैंक या कैश से आप इसकी पेमेंट करके चलेंगे पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसिस इन द फर्स्ट इट साल देखिए इसने लिख दिया कि जितना भी लॉस होगा डिस्काउंट का या कैपिटल लॉस वो उसी साल राइट right ऑफ कर दिया जाएगा जिस साल में ये ऑकर्ड हुआ है तो आप इसकी भी एक एंट्री यहां पर करके चलेंगे तो नॉर्मली अगर हम एंट्री की बात करें तो यहां कितनी एंट्री होने वाली है दो एप्लीकेशन की दो अलॉटमेंट की दो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की छह तो ये एंट्री हो गई एक ये खर्चे करने की और इसको राइट right ऑफ करने की एक डिस्काउंट की जो एंट्री है उसको राइट right ऑफ करने की तो दो एंट्री हाँ हो जाएंगी सात नियर अबाउट सात से आठ एंट्री हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं अप करते हैं आइए करते सबसे पहली एंट्री हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा वो भी कितने डिबेंचर पर दो हजार डिबेंचर पर पच्चीस के हिसाब से पचास की आप रिसिविंग कर लेंगे टू 15% परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट करते

डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को भी आप डेबिट कर देंगे ये देखिए एंट्री डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को भी आप डेबिट कर देंगे और टू फिफ्टीन परसेंट डिवेंचर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा दो हजार गुना पैंतीस रुपए सत्तर हजार रुपए टोटल क्रेडिट में आ जाएगा अब जब रिसीविंग करेंगे तो आपको पता है यहां कुछ लिखा है नहीं कोई कॉल सिनेरियर है नहीं तो क्या करने वाले डायरेक्ट रिसीव कर लेंगे रिसीव कितने होंगे जितना डिवेंचर अलॉटमेंट में पैसा होगा तो बैंक अकाउंट है पचास हजार पचास हजार आप रिसीव कर लेंगे राइट अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई अब देखते हैं पच्चीस प्लस पच्चीस पचास नब्बे में से पचास गए चालीस तो यहाँ इसका मतलब चालीस रुपए आपने मांगे हैं किसके ऊपर चालीस मांगे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपने कॉल कितने की रखी है चालीस रुपए की तो चालीस रुपए के हिसाब से ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी आइए देखते हैं पंद्रह परसेंट डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू पंद्रह परसेंट डिबेंचर दो हजार डिबेंचर पर चालीस रुपए के हिसाब से अस्सी हजार की ये ड्यू की एंट्री कर देंगे आप लोग बताइए चलिए फिर इसको रिसीव करिए बैंक अकाउंट डेबिट टू फिफ्टीन परसेंट डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइन कॉल अस्सी हज़ार अस्सी हज़ार आपको रिसीव हो जाएंगे और साथ ही साथ इसने कहा था कि दस हज़ार रुपये इशू ऑन इशू पर जो है ना खर्चे हुए थे तो एक्सपेंसिज ऑन इशू के नाम से इसे डेबिट कर दीजिए टू बैंक दस हज़ार दस हज़ार की पेमेंट कर दीजिए अब टोटल देखिए ये एक बीस हज़ार का खर्चा है मेरे पास लॉस है उसको हमें राइट ऑफ करना है और दस हजार के जो खर्चे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने हैं सिक्योरिटी प्रीमियम यहां हमारे पास है नहीं तो हम इनको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर ये तो वो कैपिटल लॉस राइट ऑफ कर दिया और टू एक्सपेंस ऑन इशू ये हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल में ट्रांसफर करने ही होते हैं टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ठीक है तो आपको ये क्वेश्चन नंबर नंबर समझ में आई होगी चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट इलिस्टेशन नंबर एट्थ है हमारे पास और ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं इसे आप जो है ना खुद से करेंगे इलिस्टेशन एट्थ को ठीक है इलिस्टेशन एट्थ को आपको खुद से करना है इसके बाद जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक राइट इस टॉपिक के बारे में हमारी चर्चा रहेगी तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बाय बाई टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट टॉपिक Have a good day.